हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ओम्स लॉ का डिस्कशन किया था, करंट डेंसिटी पढ़ चुके थे, तो रेजिस्टेंस का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उसी पे बेस्ड बेटा क्वेश्चंस करेंगे। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आप ही माने आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में, बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है आज पूरी, इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बात हमने ये भी पढ़ी ओम्स लॉ से कि भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका जो स्लोप है, किसका, वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वे क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे भाई। ये वी आई ग्राफ आपको दे रखा है, दो मटेरियल्स के लिए प्लॉट किया है, दो वायर्स के लिए, वायर नंबर ए के लिए और वायर नंबर बी के लिए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो भाई ये बात हम जानते हैं कि जो स्लोप होगा ग्राफ का, वी आई ग्राफ का, वह स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप देखो कि जो स्लोप लिखोगे बेटा, वह स्लोप तो आप कैसे लिखते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा। और भाई थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी स्लोप भी वैसे वैसे ही बढ़ेगा। तो आप ये देखो कि ए और बी में भाई ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। इसका मतलब भाई क्या हो गया कि जो टेन थीटा टू है वह बड़ा होगा टेन थीटा वन से। और भाई ये स्लोप है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। अगर बेटा इसी की जगह सेम यही क्वेश्चन होता हमारे पास, आपको हर तरह की चीज, और बेटा ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आप एक यूनी की जल्दबाजी के अंदर आपने देखा ही नहीं कि वी आई ग्राफ है कि आई वी ग्राफ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एग्जाम में ऐसा होगा, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का भी, ये ए और ये बी, अब आपसे पूछा है कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका होगा, तो जल्दबाजी के अंदर नहीं करना है कि बी का जो स्लोप है वो ज्यादा है, नहीं, इस बार आई वी ग्राफ है बेटा, है ना, इस तरफ आई रखा हुआ है, तो इस बार जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। तो इन दिस केस आर ए विल बी ग्रेटर देन आर बी। थोड़ा सा है ना, जितना आसान क्वेश्चन है आप थोड़ा सा उतनी ही है ना, थोड़ा सा टेंशन पे करें, थोड़ा सा उस पर क्या हो जाए, सतर्क हो जाए कि यार आसान क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, आसान क्वेश्चन गलत करना तो बिल्कुल पाप के बराबर है ना, बिल्कुल पाप हो जाएगा वो। तो देखो भी आगे क्वेश्चन अगला, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ये कोई वायर है जिसका एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, और भाई मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है। अब आपने क्या किया कि इस वायर को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया, अब आपसे इसका क्या पूछा गया है, नया रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो बेटा आप कैसे लिख सकते हो कि भाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो इनिशियल था, हर तरह में आपको ऐसा ही करना है बेटा। अच्छा एक बात और देखो, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूं तो अब जो दो बचे हुए जो हिस्से हैं वायर के, है ना, उन दोनों हिस्सों के रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई उन दोनों के रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट क्लास में बच्चों बात की थी कि जो रेजिस्टिविटी है वो तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगी। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब में टेम्परेचर सेम मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, तो जब आप इसको काट दोगे तो रेजिस्टिविटी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। तो भाई यहां से आर डैश बेटा कैसे लिखूं, रो, अब जो नई लेंथ आई है वो कितनी होगी, वो एल बाई टू, और एरिया एज इट इज ही रहा। तो बेटा यहां से इन दोनों को कंपेयर करो तो आर डैश विल बी इक्वल टू आर बाई टू, ये आ गया। ऑब्वियस है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी लेंथ के, अगर आपने लेंथ हाफ कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे भी कर सकते थे लाइक दिस, कि इस बार इसको ऐसे काट दिया अलोंग दिस एक्सिस। तो बेटा ऐसा काटने से क्या होगा कि जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, जो कि पहले ए था, अब ए बाई टू बन जाएगा, तो न्यू आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल एंड इट विल बी इक्वल टू ए बाई टू, विच विल बी इक्वल टू टू रो एल बाई ए एंड विच विल बी इक्वल टू टू आर।
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट कर लो जल्दी से और आगे स्टार्ट करते हैं। देखो भी अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाना शुरू करते हैं। एक बेटा जो हमने फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़ा है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको यूज करना भी आना चाहिए। देखो कैसे कि यहाँ पे जो L जो है वो एक एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखो उसको मान लो कि आपके पास कोई इस तरह का बेटा एक क्यूबिकल कोई कंडक्टर है लाइक दिस, है ना, IIT में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, काफी पहले आया था बेटा। ये लेंथ L मान लो भाई इसकी, इसकी ब्रेथ B मान लो और इसकी हाइट H मान लो। चलो ये इधर वाला फेस नंबर वन बेटा और इस तरफ वाला जो ये फेस है ये टू है। ऐसे ध्यान से देखो ऐसे कि ये जो कंडक्टर की बात कर रहा हूं बेटा, दिस इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ये लेंथ L है, ये ब्रेथ B है और ये हाइट H है। आपको अब मान लो कि आपसे जो अभी जो ये क्वेश्चन है पूछा बेटा, इस वाला फेस नंबर वन ये है, फेस नंबर टू ये है, इन दोनों एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया है। आप ये बात ध्यान रखना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है या किन दो एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करना चाहते हो थ्रू आउट द चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। आप एक बात देखो कि करंट बेटा यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर आएगा, तो कुल मिला के ये कितना लेंथ कवर करेगा कंडक्टर की, बेटा ये लेंथ L ये कवर करने वाला है और ये जो पार्ट है ये इसका एरिया बन जाएगा। तो एरिया तो कितना हो गया, B इंटू H इंटू B और लेंथ L ही रहेगी। तो बेटा इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन थी कि रो है, रो L अपॉन एरिया, बेटा ये जो फ्रंट वाला जो एरिया था इट विल बी इक्वल टू बी इंटू एच। यही जो क्वेश्चन था बेटा इसमें, मान लो कि आपने फर्स्ट पार्ट किया और थोड़ा सा देखो, मान लो कि आपसे कोई कहे कि ये ऊपर वाला फेस थ्री और जो ये सबसे नीचे वाला जो फेस है ये फोर, यानी कि बेटा इस बार क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है ये जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, तो इस बार ये सिर्फ इतना लेंथ, यानी कि लेंथ किसके बराबर होगी, इस बार ये एच के बराबर होगी और एरिया ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है विच विल एल इंटू बी, तो आर विल बी इक्वल टू रो, बेटा कितना लेंथ कवर कर रहा था वो एच के बराबर और एरिया इस बार कितना हो गया बेटा एल इंटू बी, ये एरिया हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी मेंस में पूछा हुआ है, डिटो सेम वही क्वेश्चन में करता हूं। एक ये मान लो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, if its length is increased by 100% by stretching it, find percentage change in new resistance. आपको परसेंटेज चेंज बताना है बेटा रेजिस्टेंस के अंदर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, दो तरीके हो सकते हैं लेंथ को बढ़ाने के। एक तरीका तो यही है कि ये वायर था और मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, लेंथ बढ़ गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने जितनी भी लेंथ बढ़ानी है वो वायर ओवर ऐड कर दिया उसके साथ, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग की है। आप जरा सोचो कि जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे बेटा तो उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, आप सोचो कि कोई मोटा वायर था, आप उसको जब खींचना शुरू करोगे तो वो जब स्ट्रेचिंग करोगे तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो पहले से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी कि आपको एक बात ये ध्यान रखना है, जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम रहेगी वह तो कंजर्व रहेगी, वह कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो जरा,
मान लेते हैं बेटा इनिशियली R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, माने कि मैंने मान लिया कि इनिशियली लेंथ L थी, 100% इंक्रीज कर दिया लेंथ को। तो बेटा एक बात देखो, नई लेंथ कितनी आएगी, न्यू लेंथ विल बी इक्वल टू L प्लस 100% इंक्रीज कर दिया, 100 अपॉन 100 ऑफ L, इट विल बी इक्वल टू 2L। नई लेंथ 2L कर दिया, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी रही होगी बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट इट बी A डैश और नई लेंथ इज 2L, तो बेटा A डैश विल बी इक्वल टू A बाय 2। तो बेटा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L इज 2L एंड इट इज A बाय 2, तो इट विल बी इक्वल टू 4 रो L बाय A विच इज इक्वल टू 4R। लेकिन हमसे बेटा पूछा परसेंटेज चेंज इन न्यू रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज ऑब्वियस है कि पॉजिटिव परसेंटेज चेंज आएगा क्योंकि बढ़ा है, कितना चेंज हो गया बेटा 4R माइनस R, ये तो चेंज आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100%। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 300%। ये क्वेश्चन बेटा IIT मेंस ने पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल। करो नोट बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा दो मटेरियल है बेटा आपके पास, कह रहा मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ए, यानी कि अगर ए की रेजिस्टिविटी रो है बेटा तो बी की रेजिस्टिविटी 2 रो है। ए सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द वायर मेड ऑफ ए, यानी कि बेटा अगर इसका डायमीटर आर है तो इसका डायमीटर 2R हो गया। Then for the two wires to have the same resistance, the ratio of LA by LB, वो क्या होगा? ये क्वेश्चन है बेटा। बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास क्या है कि दो वायर्स आपने बनाए, वायर A की रेजिस्टिविटी रो है तो वायर B की रेजिस्टिविटी 2 रो है, अगर इसका डायमीटर मैंने इसको रेडियस मान लिया तो जो रेशियो रेडियस में रहेगा वही रेशियो डायमीटर में भी रहेगा, अगर इसका रेडियस R है तो इसका रेडियस 2R दे रखा है, कह रहे इनका लेंथ का क्या रेशियो रहे ताकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर आए। ठीक है तो बेटा कर लेते हैं बड़े आराम से, देखो रेजिस्टेंस ऑफ A आप कैसे लिखोगे भाई, रो एल ए, और बेटा एरिया कैसे लिखोगे, रेडियस दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, वहीं पर अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 रो एल बी अपॉन पाई इंटू 2R स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया आपका रो एल बी अपॉन, मैंने 2 कैंसिल आउट कर दिया, एक 2πR स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इन दोनों रेजिस्टेंस की बराबर वैल्यू के लिए कंडीशन चाहिए, तो यानी कि आप पुट कर दो RA इज इक्वल टू RB, सो यू विल गेट रो एल ए अपॉन पाई आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू रो एल बी अपॉन 2πR स्क्वायर। तो भैया क्या आ जाएगा, एल ए इज इक्वल टू एल बी अपॉन 2। हमसे बेटा एल ए अपॉन एल बी पूछा गया है तो ध्यान से कैलकुलेट करना है, एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है नोट करो, देखो बेटा किसी मटेरियल के लिए हमें VI ग्राफ दे रखा है बेटा,
ये बेसिकली आपको ए बी, अब ऐसा कर लो, चलो इस बी पॉइंट को ना यहाँ ले आओ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, ये पॉइंट है। बट आपको बताना है कि ए बी रीजन के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होगा और बी डी जो एरिया, बी डी वाला जो रीजन है उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा। इट मीन्स मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस रीजन के अंदर रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा और किस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो भी रेजिस्टेंस आप इस वाले पार्ट में देखो बेटा, आप अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसका जो स्लोप आता है वह नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो रीजन ए बी है, रीजन ए बी, इसमें बेटा जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहे वह रेजिस्टेंस की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी। और ये जो रीजन बी डी वाला पार्ट होगा, आप इसमें देखेंगे कि जो ये टेंजेंट है इसका जो स्लोप है वह स्लोप पॉजिटिव है, तो इस वाले पार्ट में रेजिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। बस सिंपल ये आपको करना था। और देखो भाई, क्वेश्चन नोट करो बेटा सभी लोग, लिखो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेस्ड, a wire of resistance R is stressed n times its initial length, n times its initial length, find the new resistance of, find the new resistance of the wire. देखो R इज इक्वल टू रो एल वाई ए, ये बात हो गई भाई इनिशियली। अब आपने जो वायर है उसको क्या कर दिया, n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो जो नई लेंथ आएगी l डैश दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एल, ये नई लेंथ आ गई n l डैश विल बी इक्वल टू n इंटू एल। बेटा जो वॉल्यूम है वह कॉन्स्टेंट रहेगी, तो a इंटू एल इट शुड बी इक्वल टू a डैश इंटू n इंटू एल, सो ए डैश विल बी इक्वल टू ए बाई एन, ये आ जाएगा भाई। बस अब हम नया जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आर डैश विल बी इक्वल टू रो, रो में कोई चेंज नहीं आएगा, न्यू लेंथ इज एन इंटू एल एंड एरिया इज ए बाई एन, एन स्क्वायर रो एल बाई ए। तो बेटा जो नया रेजिस्टेंस आया आर डैश दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर, ये नया रेजिस्टेंस आएगा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एक कोई कंडक्टर है बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज अप्लाइड ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, a constant potential difference, which of the following quantities remains constant? कौन सी क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट रहेंगी, मैं ऑप्शन लिख देता हूं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट एंड करंट डेंसिटी। तो ऑल्दो मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूं बेटा
कि करंट डेंसिटी भी एरिया पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के साथ वेरी कर रहा होगा और ड्रिफ्ट स्पीड भी एरिया पे डिपेंड कर रही होगी। और ये हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मदद से बताया था कि करंट जो है थ्रू आउट द कंडक्टर वो क्या रहेगा, वह कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट कॉन्स्टेंट रहेगा। एक बेटा एक और क्वेश्चन लिख लो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेस्ड ट्वाइस इट्स लेंथ, इज स्ट्रेस्ड ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नीट में पूछा हुआ सवाल, बड़ा आसान हो जाएगा बेटा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर डैश विल बी इक्वल टू, और बेटा ये 4 के इक्वल है, रो एज इट इज रहेगा, लेंथ 12 कर दी बेटा, लेंथ 12 कर दोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू बेटा 4 रो एल बाई ए, सो द न्यू आंसर इज और द न्यू रेजिस्टेंस इज 4R एंड इट इज इक्वल टू 60 ओम। नीट में पूछा हुआ सवाल, ये सिंपल सवाल। अब थोड़ा और बढ़िया सवाल करते हैं। देखो इस बार एक होलो सिलेंड्रिकल वायर है, है ना, होलो सिलेंड्रिकल, इसका मतलब बेटा इतना इतना जो पार्ट है, करंट जो है वो सिर्फ इतने में से ही फ्लो करेगा, करंट जो है वो सिर्फ इतने में से ही फ्लो कर रहा होगा भाई। इसका जो लेंथ है वो L है, जो इसका इनर रेडियस है ये R और ये आउटर रेडियस ये है 2R। आपको बेटा इसका रेजिस्टेंस बताना है कि क्या होगा, रेजिस्टेंस बताना है। तो भाई ये जो इतना इतना जो पार्ट है सिर्फ इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से ही क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा। तो R इज इक्वल टू बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल जो है उसका उसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो R विल बी इक्वल टू रो L अपॉन A। तो बेटा A जो आएगा वो सिर्फ इतने इतने पार्ट का एरिया आना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू P जो आउटर रेडियस है 2R का स्क्वायर माइनस बेटा इनर ऑन कितना हो गया भाई ये 4πr² माइनस पाई आर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन 3πr² ये आ गया भाई। इस तरह का क्वेश्चन भी हो जाएगा हमसे, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखो अब तक बेटा जितने क्वेश्चन आप कर रहे थे इन सब में जो रेजिस्टिविटी थी कंडक्टर की वह कांस्टेंट थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल रेजिस्टिविटी का, वेरिएबल रेजिस्टिविटी। तो वेरिएबल रेजिस्टिविटी का देखो भाई, मान लो कि ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ इसकी एल है, लेकिन जो इसकी रेजिस्टिविटी है ना बेटा, आर इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस x बाई एल। इसकी रेजिस्टिविटी ऐसे वेरी करती है एक्स के साथ, वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस एंड, किसी भी एक एंड से आप उसको मेजर कर लो। तो अब आप देखो कि इस बार जो ये रेजिस्टिविटी आ रही है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, इस बार रेजिस्टिविटी एक्स के साथ बदल रही है ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, जो रेजिस्टेंस है इसका बेटा वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यानी कि इस बार बेटा हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस बार कोई एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या करता हूं कि एक्स दूरी पर जाकर एक ये इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मैंने एज्यूम कर लिया ये, और इसकी विड्थ मैंने एज्यूम कर ली बेटा कितनी, वह dx एज्यूम कर ली।
अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है ना बेटा, ऐसे सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें छोटा सा हिस्सा काट दिया तो वो छोटा सा हिस्सा जो आपको कटा हुआ दिखेगा वह आपको बिल्कुल एक डिस्क की तरह लग रहा होगा जिसकी कुछ मोटाई dx होगी। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, वो देखो ध्यान से देखना बेटा। मैं मान लेता हूं कि इस छोटे से एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वह dr है, दैट विल बी इक्वल टू रो, ठीक है बेटा, रेजिस्टिविटी इसकी रो है। और कितने लेंथ को करंट क्रॉस करके जा रहा है बेटा, x को नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। मैं ये जो dr आपने जो रेजिस्टेंस माना है वो इस एलिमेंट का माना है, इस एलिमेंट का तो जो लेंथ जो ये कवर करेगा करंट वह dx होगी। तो रो dx है ना l की जगह, और डिवाइडेड बाय बेटा इसका एरिया, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया तो वही होगा जो ए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एरिया तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है ना भाई। लेकिन रो वेरिएबल है बेटा, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रो नॉट वन प्लस एक्स बाई एल, और ए भाई ये आ गया और ये है डीएक्स। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे ऐसे जो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मानेंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा जोड़ देते हैं उसको, यानी कि इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी आर। सो रो नॉट बाई ए इंटीग्रल वन प्लस एक्स बाई एल डी एक्स, और बेटा ये x कहां से कहां वेरी करेगा, यह x 0 से l तक वेरी करेगा, 0 से l तक वेरी करेगा भाई। सो r इज इक्वल टू रो नॉट बाई ए, बेटा इसको इंटीग्रेट करो तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 0 से l रो नॉट बाई ए l प्लस, बेटा ये x स्क्वायर बाई 2 बनेगा ना इंटीग्रेट करोगे तो, l स्क्वायर बाई 2 l, एक एल कैंसिल आउट हो गया तो ये बेटा बन गया 3 रो नॉट एल बाय 2a। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप देखो कि वेरिएबल रेजिस्टिविटी थी, अगर इस तरह का कभी कोई सवाल आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोई एक एलिमेंट मानेंगे और बेटा फिर क्या करेंगे, फिर जैसे मैंने सॉल्व किया एलिमेंट मान लिया, उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। नोट करो जल्दी से, ये चलो भी देखो आगे, एक इस बार एक और क्वेश्चन करते हैं जिस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिएबल, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस बार मान लेते हैं एक फ्रस्टम देखा होगा ना बेटा, फ्रस्टम के शेप में एक ये कंडक्टर है, यहां पे इसका रेडियस r है और ये रेडियस 2r है और लेंथ बेटा l है, आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। तो आप देखोगे कि आप जैसे जैसे बेटा दूर जाते जा रहे हो तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वह क्या होता जा रहा है, वह बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाले तरीके से सवाल को करना पड़ेगा। देखो मैं कहता हूं कि यहां से एक्स दूरी पर जाकर मैंने बेटा एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ऑब्वियस है कि डिस्क की शेप में होगा अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो, ठीक है बेटा। इसकी बेटा मैंने जो मोटाई है या जो विड्थ है वह dx मान ली है, लेकिन मुझे जब मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करूंगा बेटा, जब मुझे इसका ये r डैश रेडियस चाहिए होगा, तो कुल मिलाकर के इस सवाल में कुछ नहीं, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है कि r डैश कैसे निकाला जाए। देखो बेटा इसको मैं निकालना बताता हूं कि कैसे निकालेंगे इसको। मैं कहता हूं कि एक काम करो, इसको इस तरह से पूरा कर लो, ये थीटा मान लो, ये जो लेंथ है इसको मैंने बेटा l डैश मान लिया, यहां से मैंने इसको कंसिडर किया, ठीक है। एक बार बताऊंगा आगे फिर कभी आएगा तो आप इसको डायरेक्टली करेंगे बेटा।
तो आप एक बात बताओ कि बेटा ये जो पूरी लाइन है ये ना एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा, तो टेन थीटा, तो बेटा एक तो ये लिख दूं मैं परपेंडिकुलर दैट इज आर अपॉन एल डैश, और भाई मैं इस पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल में देखूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, टू आर अपॉन एल प्लस एल डैश। तो बेटा यहां आर से आर कैंसिल आउट हो गया, टू एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल डैश, सो एल डैश इज इक्वल टू एल। एक तो ये आ गया बेटा, ये लेंथ आ गई है विच इज इक्वल टू एल, ये लेंथ एल के बराबर ही आ गई। मुझे तो आर डैश चाहिए, तो कोई बात नहीं है। अब एक काम करो कि ये जो छोटे वाला जो ट्राइंगल है और जो ये यहां तक का जो ट्राइंगल है इसमें टेन थीटा को इक्वेट करो, सो टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल डैश, एल डैश इज इक्वल टू एल, इट विल बी इक्वल टू आर डैश अपॉन एल प्लस एक्स, दिस इज समथिंग लाइक दिस बेटा। तो भाई यहां से आपके पास r डैश की वैल्यू क्या आ गई भाई, r इंटू एल प्लस एक्स बाई एल, और यू कैन राइट इट एज r 1 प्लस एक्स बाई एल। ये लो, ये आपके पास r डैश की वैल्यू आ गई। तो भाई ये जो छोटा सा एलिमेंट माना था जिसका रेजिस्टेंस हमने dr मान लिया, उसको कैसे लिखोगे बेटा, क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो रो कितना लेंथ कवर किया करंट ने, dx डिवाइडेड बाय एरिया, वो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई r डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बेटा इसको लिख दो जरा, रो अपॉन पाई dx अपॉन, ये तो r स्क्वायर बन गया और ये 1 प्लस एक्स बाई का स्क्वायर। इसको अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेटा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, और बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, वन प्लस एक्स अपॉन एल की पावर माइनस टू डी एक्स। एक्स वेरिएबल है बेटा, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स कहां से कहां लिख देता हूं मैं, जीरो से एल तक ही जाएगा। देखो अब जरा ध्यान से, इसको बेटा ये इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से आता है आपको, 1 प्लस एक्स बाई एल, इसकी एक पावर जुड़ जाएगी इसमें तो माइनस वन बन गया, डिवाइडेड बाई माइनस वन, और जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स है विच इज 1 बाई एल, उससे इसको डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये यहां लिमिट्स रख दो जीरो से एल तक। बेटा एक बार नोट करो, मैं फिर इधर का रब कर रहा हूं, एक बार जल्दी से नोट करो। तो देखो भाई अब, तो भाई ये r इज इक्वल टू बेटा ये हो गया रो l, है ना, ये वाला l ऊपर ले आया, माइनस का साइन भी रख लो यहाँ पे, माइनस ये वाला साइन आ गया, अपॉन पाई r स्क्वायर। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो बेटा, पहले 1 प्लस x की जगह l, इसकी पावर माइनस वन है, माइनस ऑफ वन प्लस जीरो बाई एल, इसकी पावर भी माइनस वन है, सो माइनस रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और भाई ये बन गया बेटा वन बाई टू और माइनस वन, विच विल बी इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई टू। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, आर विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने वेरिएबल रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन किए, मोरलेस आइडिया सेम ही है, और कैसे हमने वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन भी कर लिए, आइडिया वही है क्वेश्चन को करने का, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। तो रेजिस्टेंस पर बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे हमारे, और ऐसे बहुत है, उसमें क्या होगा कि कहीं पे बेटा मैं रो को रो नोट एक्स लिख दूंगा, या कहीं पे वन प्लस एक्स बाई एल लिख दूंगा, तो जो क्वेश्चन को करने का आइडिया है वो तरीका सेम ही है, ठीक है। और देखो
एक बेटा इसमें यूज होता है हमें ना कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं ना, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। इस पे भी बेटा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। देखो होता क्या है कि जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं ना बेटा, वो जो ओरिजिनल जो हमारे सर्किट होते हैं हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। अब ज़रा सोचो कि उस बहुत छोटे से रेजिस्टेंस के ऊपर सर्किट में आप देख के कैसे पता लगा पाओगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, वो जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर हम कुछ बैंड बना देते हैं, चार तरह के कलर बैंड बनाते हैं। उन अपने अपने जो वो कलर बैंड्स हैं उनका अपना एक महत्व होता है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, और उसी की मदद से हम क्या करते हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू पता लगाते हैं। इस तरह का होता है बेटा, मैं आपको बताऊं जरा, मान लो ये कोई कार्बन रेजिस्टर है। क्या है बेटा ये, दिस इज ए कार्बन रेजिस्टर, और इस तरीके से बेटा वहां पे चार बैंड बने होंगे अलग अलग कलर के, एक दो तीन और ये चार, चार बैंड बने होंगे, चार कलर्स होंगे। कौन कौन से कलर होंगे, उसका क्या क्या मतलब होगा, ये जरा मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक बार मैं एक टेबल आपको बेटा याद रखनी है, मैं वो टेबल बना देता हूँ एक बार। ये मुझे टेबल मैं उस तरफ बना देता हूँ लोगों, ताकि जगह काफ़ी चाहिए होगी ना मुझे। ठीक है बेटा, ये जरा मैं लिख भी देता हूँ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ये बेसिकली टेबल आपको याद होनी चाहिए, कैसे याद रहेगी वो भी बताऊंगा जरा इसका। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टेबल है, पहले तो ये टेबल देखो कैसे याद की जाएगी बेटा, इसका डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से इसको याद करने का बेटा एक टेक्निक क्या है कि जो भी कलर है उनका फर्स्ट लेटर देखो आप,
इसको कैसे याद करेंगे? बी बी रॉय, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है बेटा। आप सब लोग लिख सकते हो इसको, है ना, कि आपको पहला जो लेटर है उसका उसको याद करने का एक तरीका है कि वो कलर्स कैसे याद करें ना। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतनी ज्यादा जो कलर्स है उनका वो याद कैसे करें सीक्वेंस में। तो तरीका क्या है बेटा, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आगे भी इसको पूरा कर सकते हो, आगे कैसे करोगे, हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्या याद रखना बेटा आपको, पहले कलर याद रखने से पहले आपको जो एक शॉर्टकट ट्रिक बताई ये आपको याद होनी चाहिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस माने नो कलर, नो कलर है ना, इन इनसे मतलब नो कलर। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा, तो ये तो समझ आएगा ना, बी मानी ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ब्लैक से स्टार्टिंग होगा और एक वर्ड जो दोबारा फिर से ग्रीन यहाँ पर पहले आ रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लैक ब्राउन एक दो बार आप इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और वाइट गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखो, जब भी ब्लैक होगा तो उस ब्लैक कलर का मतलब क्या होगा, जीरो या फिर 10^0। कब क्या मतलब होगा ये भी बताऊंगा, ठीक है। जो जो इनके आगे जो जो नंबर लिखे हैं या जो जो मल्टीप्लायर लिखे हैं उनका वही मतलब रहने वाला है। और जो ये जो तीन बैंड्स बनाए हुए हैं, गोल्ड सिल्वर या नो कलर, बेटा ये जो फोर्थ बैंड होगा, ये वाला जो होगा, ये तीन कलर सिर्फ आपको फोर्थ बैंड पे मिलेंगे, ये बाकी कहीं पे नहीं मिलेंगे। दीज थ्री कलर्स विल रिप्रेजेंट द टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना, कि उनकी वैल्यू में इतना टॉलरेंस आ सकता है, इतना चेंज आ सकता है। तो अगर गोल्ड कहीं पे आया तो इसका मतलब प्लस माइनस 5% उसमें चेंज आ सकता है, सिल्वर में प्लस माइनस 10%, और अगर कोई बैंड ही नहीं है, माने कि सिर्फ तीन ही बैंड हैं, तो इसका मतलब बेटा उसमें प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस होगा। अब इनका मतलब समझाता हूं कि किसका क्या मतलब है, ये बेटा नोट कर लिया होगा सभी ने। अब ये टेबल तो हमें जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा, ये जो पहला और ये जो दूसरा जो बैंड है, ये जो पहला जो बैंड होगा ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और जो दूसरा बैंड है वह दूसरा बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। जो थर्ड जो होगा, है ना, ये बेटा क्या होगा, ये फर्स्ट कलर था, ये सेकंड कलर था, जो सेकंड बैंड था, और जो थर्ड वाला जो आएगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा बेटा मल्टीप्लायर, और फोर्थ जो था वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगा, वो बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो आपको ध्यान रखना है, पहला बैंड के जो पहला बैंड होगा दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो सेकंड जो बैंड होगा कलर बैंड दैट विल रिप्रेजेंट द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और जो थर्ड कलर जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ जो होगा बैंड दैट विल रिप्रेजेंट द टॉलरेंस। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो ऐसा मान लो कि इस पर आपको जो कलर लिखे हुए हैं बेटा, वह कलर आप रेंडम कुछ भी बोल दो, मान लो ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन ब्लैक या ब्लू ले लो और गोल्ड, आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आप देखो कि ऑरेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, ऑरेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 3 है, तो जरा आप रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 लिख दो। अगला कलर ग्रीन है, ग्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा जो नंबर आ रहा है वह 5 आ रहा है, अब मल्टीप्लायर लगेगा। तीसरा जो बताएगा वह मल्टीप्लायर लगेगा, थर्ड कलर ब्लू है बेटा,
तो ब्लू है तो ब्लू का जो मल्टीप्लायर है बेटा वो 10^6 मल्टीप्लायर है इंटू 10^6 और जो टॉलरेंस है वो गोल्ड है यानी कि गोल्ड का मतलब बेटा क्या हो गया प्लस माइनस 5%। यह है रेजिस्टेंस आ गया भैया आपका। तो किस तरह से किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बताया जा सकता है वो हमने बताया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, ये नोट करो जल्दी से, एक और इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आप कुछ भी कलर लिख लो बेटा, वायलेट, ब्लैक, रेड, सिल्वर। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो वायलेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए जो नंबर आ रहा है दैट इज 7, ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग 0। तो देखो दो बैंड्स का काम हो गया है। नाउ यूज अ मल्टीप्लायर। रेड, रेड का मल्टीप्लायर बेटा 10^2 है और सिल्वर का जो टॉलरेंस है दैट इज प्लस माइनस 10%। मल्टीप्लाई पावर वही है। अगर इसका ब्राउन का नंबर 1 है तो बेटा यहां पे 10^1, 2 है तो 10^2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसका उल्टा भी कर सकते हो ना। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो। मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 34×10^4 ओम। आपको ये बताना है कि उसकी कलर कोडिंग क्या है, उसका कलर कोड आपको बताना होगा। तो देखो 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है, 3 तो भी ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, वो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। जो मल्टीप्लायर है वो 10^4 है, 10^4 तो येलो पे ही मिलेगी आपको। और प्लस माइनस 10% प्लस माइनस, अच्छा इसमें आपको टॉलरेंस भी गिवन होगी, लेट इट बी 5%। अगर 5% है तो बेटा वो क्या मिल जाएगा आपको, वे गोल्ड। ये कलर कोड आपको मिलेगा। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। टेबल कैसे याद रखनी है ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, ना कि अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप ये पार्ट बहुत अच्छे से कर लो। थैंक यू।